हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कढ़ी की रेसिपी। वैसे तो कढ़ी बनाने के सबके अलग अलग तरीके हैं, पर मैं आज आपके साथ राजस्थानी कढ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इजी रेसिपी है ये और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप दही। दही आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन, तो मैं इसमें टोटल 2 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। साथ ही अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, तो इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे हम धनिया पाउडर, तो मैं इसमें टोटल 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ। और साथ ही नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, मैंने यहाँ 1 टीस्पून नमक डाला है। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक विस्कर की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि इसमें गुठली बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो मैं इसमें टोटल 2 से 3 कप पानी डाल रही हूँ। आपका अगर दही खट्टा है तो आप इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डालें। अब हम इसको लकड़ी की मथनी से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए हम इस तरह अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। तो ये कढ़ी का घोल हमारा तैयार है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब गैस पर एक कढ़ाई रख देंगे और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं या फिर सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, पर अगर आप इसको घी में बनाएंगे तो ये कढ़ी और ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब इस तेल को हम गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून साबुत धनिया, ये आप ज़रूर डालिएगा। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हींग। अब इन सभी को कुछ सेकेंड्स के लिए इस तरह चला लेंगे। फ्लेम यहाँ पर मैंने लो रखी है, वरना ये मसाले जल जाएंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी कड़ी पत्ता। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कड़ी पत्ते से हमारी इस रेसिपी का स्वाद डबल ट्रिपल बढ़ जाता है। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ ये लहसुन, तो इसको मैंने ये काट लिया है। और अब इन सभी को इस तरह 1 मिनट के लिए चला लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च, तो मैंने यहाँ 2 से 3 हरी मिर्च को इस तरह काट कर डाला है। इसको 1 मिनट चलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज, तो मैंने यहाँ 1 मीडियम साइज़ का प्याज काट कर डाला है। अब कुछ लोग कढ़ी में प्याज नहीं डालते, तो वो लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर प्याज डालने से ये कढ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो इसको भी हम हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये प्याज हमारे हल्के गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर हमने जो कढ़ी का घोल बना कर रखा था वो इसमें डाल देंगे। फ्लेम मैंने यहाँ पर हाई कर ली है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इस कढ़ी को लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक इसमें 2 से 3 अच्छे उबाल ना आ जाए। इसको आप बीच में मत छोड़िएगा, अदरवाइज हमारा दही फट भी सकता है और ये कढ़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए, हमारी कढ़ी में उबाल आ चुका है। अब मुझे इस कढ़ी में पानी थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें 2 कप पानी और डाला है। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसमें ठंडा पानी बिल्कुल ना डालें, मैंने गर्म करके पानी डाला था इसमें। तो अब गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम पर रखेंगे और इस कढ़ी को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। ये धीमी आंच पर जितना पकेगी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। साथ ही इसको आप बीच बीच में चलाते रहिए। तो ये देखिए, इसको पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और ये काफ़ी रिड्यूस भी हो चुकी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब गैस की दूसरी साइड मैंने एक तड़का पैन रखा है, जिसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच घी। अब इस घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब घी गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, साथ ही इसमें डाल देंगे 3 से 4 सूखी लाल मिर्च। स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। अगर आप इस स्टेज पर गैस की फ्लेम बंद नहीं करेंगे तो ये हमारा तड़का है वो जल जाएगा। तो ये तैयार है, अब हम इसको कढ़ी के अंदर डाल देंगे।
इससे कड़ी की लुकिंग भी अच्छी आती है और साथ ही खाने में इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और हमारी राजस्थानी स्टाइल कड़ी बनकर तैयार है। आप इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ, परांठे के साथ सर्व करें और ये रेसिपी आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।